चलिए तीन सम्स करते हैं हम लोग, इसके बाद कुछ बात और भी है जिसको हम बता देंगे, नोट पुट करेंगे। जब तक आप सम्स को नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा, और डिस्कशन करके पहले से कोई फायदा नहीं है। अभी तक हम लोग इतना बात कर लिए कि आराम से सम्स बन जाएगा। अरुण वरुण एंड तरुण आर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। उसको आप 2:2:1 को अंडरलाइन कर दो। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर दिया हुआ है। सीयू बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ सम्स है। इसमें जो बहुत बड़ा बात है वो ये है कि बहुत बढ़िया से हम लोगों को देखना चाहिए बैलेंस शीट को, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो चुका है। देखो यहां पर क्रेडिटर है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। एक ही ठो लायबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट है अरुण वरुण तरुण का और जनरल रिजर्व है। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर में हम लोग जो रेशियो दिया हुआ है 2:1 उसमें बांट देंगे। कैसेट बैंक, मैंने अभी बोला था ये बैंक अकाउंट में जाएगा। तो देखिए बैलेंस शीट में क्या छूट गया, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रिजर्व रिजर्व में जाएगा, मतलब वही कैपिटल में जाएगा। तो इधर से सिर्फ क्रेडिटर लिए जो रियलाइजेशन में जाएगा। वैसे भी हमेशा याद रखेंगे रियलाइजेशन में एसेट्स और लायबिलिटी को ही लेकर जाते हैं। डेटर दिया हुआ है 30,000, लेकिन डेटर के ऊपर एक प्रोविजन है, हमेशा याद रखेंगे डेटर फुल वैल्यू से ट्रांसफर करेंगे और उसका जो प्रोविजन है वो हम लोग क्रेडिट साइड में रख देंगे। वो प्रोविजन हम लोग का इंटरनल प्रोविजन है, उसको पेड करने का दरकार नहीं है, वो लायबिलिटी नहीं है। स्टॉक है, फर्नीचर है, गुडविल है, ये सभी ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या क्या बच गया बताइए? बैंक रह गया, बैंक अकाउंट में जाएगा, कैपिटल और जनरल रिजर्व भी रह गया, कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब देखो नीचे में क्या बोल रहा है, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिजॉल्व द पार्टनरशिप, डिसॉल्व करना चाह रहा है। द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स रियलाइज्ड, बुक डेप्ट, बुक डेप्ट का मतलब डेटर 25,000, जो भी यहां पर आपने ट्रांसफर किया बाई बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज, बुक डेप्ट कितना ट्रांसफर, कितना रियलाइज हुआ 25,000, स्टॉक से कितना हो रहा है 48,000, फर्नीचर से कितना हो रहा है 19,000, वहां सब लिख देंगे, इनसाइड में लिख के प्लस करके बाहर कर देंगे। अरुण एग्रीड टू बाय द फर्म नेम, अंडरलाइन करो, अरुण इटसेल्फ पार्टनर है, देख लो अरुण वरुण एंड तरुण, यानी पार्टनर जो है गुडविल को ले रहा है, कितना में ले रहा है 60,000, तो बाई बैंक में नहीं आएगा, वहां पर क्या लिखेंगे बाई अरुण कैपिटल अकाउंट, गुडविल टेकन ओवर कितने का 60,000। हां बैंक में आता, कब आता, जब यहां लिखा रहता अरुण एग्रीड टू बाय द फर्म नेम एंड गुडविल फॉर ₹60,000 एंड पेड ऑफ, और पेड कर दिया, जब पेड कर दिया तो उसके नाम पर नहीं लिखेंगे, पेड कर दिया मतलब बैंक में। क्रेडिटर्स वेयर पेड, क्रेडिटर्स को पेड करना है कितना 27,000। अगर ये बात नहीं बोलता तो मैंने अभी तुरंत बोला था आपको, बोले या नहीं बोले क्रेडिटर को पेड करना था। इनकम्प्लीट डिस्चार्ज, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, अभी मैंने बताया था कि एक्सपेंस तो रहेगा ही रहेगा, रियलाइजेशन कितना है 1,000, सो द कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन डिजोल्यूशन। तो सबसे पहले तो रियलाइजेशन बनाना पड़ेगा ना, है कि नहीं, इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप या इन द बुक ऑफ अरुण वरुण एंड तरुण, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बट हम लिख रहे हैं इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं बोलिए, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आप देख रहे हो बाय सिंडिकेटर, और सिंडिकेटर दिया हुआ कितना 30,000, 30,000।
एक से ज्यादा एसेट्स तो बराबर रहता है, इसीलिए टू संडी एसेट्स हम लोग जरूर लिखते हैं। क्या क्या है? तो संडी डेटर, संडी डेटर्स कितना है? 30। लेकिन हमेशा याद रखेंगे उसका प्रोविजन संग संग लिखिएगा, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। बाई बैड डेट्स प्रोविजन, कितना दिया हुआ है? 3000 या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। स्टॉक है 43,000। फर्नीचर है 20,000। गुडविल है 50,000। हो गया? फिर से सुन लो, बैलेंस शीट जो दिया हुआ है उससे सारे एसेट्स को हम लोगों ने डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, और लायबिलिटी सिंगल था उसको हम लोग क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिए। अब ये एसेट्स हम लोग सेल करेंगे, सेल भी हो सकता है, कोई पार्टनर ले भी सकता है। सेल होगा तो बाय बैंक, और अगर कोई पार्टनर लेगा तो पार्टनर का नाम। तो देखो यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है, द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स रियलाइज्ड। क्या क्या रियलाइज्ड हुआ लिख दिया है। तो बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड हेडिंग दिए। तुरंत अभी हम आपको बोले थे कि अंदर में लिख देना बुक डेब्ट्स से 25,000, स्टॉक एक लोग इसको प्लस करते जाना, फर्नीचर 19,000। कितना आया? 92,000। देखो आगे क्या बोल रहा है, अरुण ने गुडविल को ले लिया कितने में? 60,000। अरुण कैपिटल अकाउंट 60,000। क्रेडिटर्स को पेड कर रहे हैं, बैंक अकाउंट पेड क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? अगर कुछ नहीं बोलता तो आप क्या करते? पूरा 30,000 पे कर देते, बट अभी हम लोग 27,000 लिखेंगे। वहीं पर लिखा हुआ है 1,000 रुपया एक्सपेंस है, साथ में भी लिख सकते थे आप, बैंक अकाउंट तो हेडिंग दिए ही है, लिख सकते थे एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। बस प्लस माइनस करके देखना होगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन किस रेशियो में बांटेगा? 2:2:1। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन वैसे पूरा लिखना चाहिए ब्रैकेट में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीनों का नाम लिख दो, अरुण, वरुण और
Arun. टोटल आ गया 1,85,000. इधर का टोटल आया 171. ये 14,000 के पास स्टार बना दिया हम लोगों ने, बैलेंस आया. इसी को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? 5,600 अरुण लेगा, ये वरुण लेगा और तरुण लेगा. ये जो टाइप के सम्स हम लोग कर रहे हैं, ये ऑनर्स जरूर लिखा हुआ है. बहुत बहुत पहले ये आता था कभी, अभी नहीं आता है. पास कोर्स में आएगा. मिटा दें. सवाल कंप्लीट हो गया क्या? अभी क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड अब देखो, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जरा ध्यान से देखिए आप सम्स को. कैपिटल और जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा ही, साथ ही साथ इधर देखो डेबिट साइड में तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. तो क्या प्रॉफिट ऑन रिवल्यूशन आप नहीं लेके जाते थे? बात तो बराबर है. वहां पर आपने रियलाइजेशन लिख दिया. इस साइड में देखिए एक का नाम है, डेबिट साइड में आ जाएगा. ठीक है, गुडविल लिखेंगे और अरुण का जहां पर रहेगा वहां पर अमाउंट लिख देंगे. पहले बैलेंस करते थे, अभी बैलेंस नहीं करेंगे. बाई बैंक लिख देंगे इधर में, और इधर आएगा तो टू बैंक लिख देंगे और बैलेंस कर देंगे. ठीक है, चलो जल्दी करो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अरुण वरुण तरुण. क्या बताया था मैंने कि जो बैलेंस शीट है उसमें से सबसे पहले कैपिटल लेंगे. बाई बैलेंस बीडी अरुण का है 50,000, 20,000 एंड 10,000. जनरल रिजर्व इसको हम लोग 2:2:1 में बांटेंगे. 50,000 है 2/5 एंड 1/5. 20 और 10, यहां तक तो हो गया. यहां पर और कुछ भी नहीं है. हमको क्या देखना पड़ेगा? जो अभी आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखो एक जगह लिखा हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. अरुण का कितना था? 5,600, 5,600 एंड 2,800. अब आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड को देखिए. क्रेडिट साइड में एक जगह पार्टनर का नाम मिलेगा आपको, 2 रियलाइजेशन अकाउंट. क्या लिया था? गुडविल. किसने लिया था? कितने का? और तो कुछ भी नहीं है. हम लोग यहां पर बैलेंस लिखते थे, याद है ना? आप एडमिशन में लिखते थे बैलेंस. अभी हम लोग लिखेंगे क्या? बैंक अकाउंट. यही बैलेंस हुआ. कहने का मतलब है 50,000 50,000 पहले से लगाया था, 20,000 जनरल रिजर्व, 70 और 5,600 प्रॉफिट. इतना में से 60,000 का गुडविल ले लिया, बाकी उसको पैसा मिल जाएगा. इन लोगों ने कुछ नहीं लिया. ये दोनों को हम लोग बैलेंस करेंगे और दे देंगे.
टोटल हो गया 75,600, 45,600, 22,800, 75,600, 45,22, यहां हो गया 45,600 एंड 22,800। समय तो लगना ही है, कुछ नहीं किया जा सकता, 3 अकाउंट बनेगा। अभी हम लोग क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट। बढ़िया से ये दोनों चीज को आप सीख लीजिए, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना के हम छोड़ देंगे, और आपको ये दोनों घर पे बनाना होगा, ठीक है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि बनाना है तो बनाइएगा, तो ये सब कुछ नहीं, क्योंकि अगर आपको बढ़िया करना है तो बनाना होगा। देखो सम्स के अंदर जैसे कैपिटल और जनरल रिजर्व छोड़ा था, उसी तरह से आप क्या छोड़ दिए थे? बैंक। कितना है बैंक अकाउंट? वही कैश बुक। रुपया आ रहा है, रुपया जा रहा है, इधर में रुपया आएगा और इधर में रुपया जाएगा, वही वाला बात है। तो अभी मेरे पास बैलेंस है, कितना बैलेंस है? 20,000। अब वापस आपको कहां जाना पड़ेगा? रियलाइजेशन में। देखिए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम रियलाइजेशन अकाउंट से ला रहे हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिए। क्या हुआ था? सेल ऑफ असेट्स। हम इसीलिए एक साथ जोड़कर लिखे थे, कितना था? 92,000। देखिए हम लोगों ने 92,000 डायरेक्ट लिख दिया, इसीलिए उधर में हम इंटरनल साइड में पूरा को एड करके बाहर लिखे थे। इधर देखो क्या क्या हुआ, तो बाई क्रेडिटर लिख देंगे, बाई रियलाइजेशन लिख के भी आप हेडिंग लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाई क्रेडिटर्स कितना पेड किए थे? 27। बाई रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? और कुछ है उसमें? रियलाइजेशन अकाउंट को देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक कहां कहां है, तो डेबिट साइड में दो है, जहां पर एक में क्रेडिटर, एक में रियलाइजेशन एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में एक जगह था असेट्स रियलाइज। अब देखो, यानी सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में देखना, और दूसरा कहां देखना इसके बाद? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में इधर हो सकता है और इधर भी हो सकता है, बट इधर में अभी तीनों का है। लिखेंगे बाई कहां से लेकर आ रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग दे दिए, ऐसे भी लिख सकते थे बाई अरुण कैपिटल, बाई वरुण कैपिटल, बाई तरुण कैपिटल। लेकर गया अरुण, वरुण और तरुण, 15,600, 45,600, 22,800, और कहीं पर कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग का सही होगा तो क्या होगा? जैसे बैलेंस शीट टैली करता था, बैंक अकाउंट टैली करेगा। 20,000 एंड 92,000 आ गया। आप इधर भी करके देख लो, ठीक है जी। बात आया कुछ समझ में?